हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, उस समय एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए आपके दो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहला, कि सरकार की जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करते हुए अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, क्योंकि इस समय अपने आप को मोटिवेटेड रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा जो आपका काम है, कि जो आपका मूल कर्तव्य है एक स्टूडेंट होने के नाते, एक प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी होने के नाते, कि आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उसकी तैयारी को अब आप पुनः गति प्रदान करें। आप इस बात को ध्यान रखें कि निकट एक दो महीने में कोचिंग क्लासेज नहीं स्टार्ट होंगी। अगर लॉकडाउन ख़त्म भी होता है तो भी मास गैदरिंग की परमिशन निकट दो तीन महीने में नहीं दी जा सकती है। इसके लिए आपके पास रास्ता एक ही बचता है कि आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितनी भी आपको मदद मिल सकती है उस मदद का आप फ़ायदा उठाएं। आज हम इस वीडियो में 65वीं बीपीएससी के लेकर, जो पेपर वन है हमारा, आपको पता है कि सेक्शन ए, बी और सी तीन हिस्सों में बटा हुआ है। सेक्शन ए जो है हिस्ट्री के हिस्से हैं, जिसमें ज़्यादातर ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं। हम आज बी हिस्से पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आगामी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनका एक सूची तैयार करके लाए हैं आपके लिए, और उससे संबंधित तीन चार मॉडल प्रश्न हमने तैयार किया है। उन प्रश्नों को उत्तर आप ईमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। जो सबसे उत्कृष्ट उत्तर होगा वो जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा तो उसमें उनका नाम और उस उत्तर के कंटेंट को भी आपके साथ साझा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सेक्शन बी है हमारा, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। इसमें हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, जो कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया नित देशों के द्वारा BRI, जो चाइना के नेतृत्व वाली जो परियोजना है, उसी के काउंटर के रूप में इसे माना जाता है। तो आप इस पे अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करें। दूसरा है भारत एवं अमेरिका संबंध। निकट भविष्य में भारत और अमेरिका संबंधों में जो परिवर्तन हुआ है, उन परिवर्तनों को आप ध्यान में रखें। और जो हमने भारत अमेरिका संबंध पर ऑलरेडी एक बहुत विस्तृत वीडियो 1950 से लेकर और 2019 तक, मतलब 64वीं BPSC के टाइम में हमने वो डाला था, उस वीडियो में आप जो ट्रंप की यात्रा, जो ईरान की नीति में परिवर्तन आया है, उसको ऐड कर लें। इसके बाद कोरोना महामारी का वैश्विक राजनीतिक जो व्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या जो वर्तमान समय में एक अमेरिका के नेतृत्व वाली जो एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था है, वो क्या मल्टीपोलर वैश्विक व्यवस्था में जिसका नेतृत्व चीन करेगा क्या परिवर्तित हो सकती है, वैश्वीकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या संरक्षणवाद की नीति, जितने भी विकसित देश हैं वो संरक्षणवाद की नीति को और तेज़ी से बढ़ावा मिलेगा, इन दो तीन पहलुओं पर आपको ध्यान देना है। भारत और पश्चिम एशिया के संबंध इस बार आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और ख़ासकर इस टॉपिक को आपको पढ़ते हुए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अमेरिका की जो पश्चिम एशिया, खासकर ईरान को लेकर जो नीतियों में परिवर्तन आया है, उसका भारत और पश्चिम एशिया के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे WHO है, तो क्या WHO को और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्या इसको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस टॉपिक को करेंगे। प्रवासी समस्या एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है। इसके बाद शरणार्थियों की समस्या, तो प्रवासी और शरणार्थी में क्या अंतर होता है, इन चीज़ों को आप अंतर स्पष्ट कर लेंगे। और जो UN की रिपोर्ट आई है प्रवासी को लेकर, भारत के कितने प्रवासी विदेश में रह रहे हैं, इन आंकड़ों का भी आप एक संग्रह तैयार करेंगे। इसके बाद भारत तालिबान समझौता, जो अभी अमेरिका तालिबान समझौता संपन्न हुआ है, इस समझौते का भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए
सात आठ टॉपिक ही मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कम से कम 8 से 10 टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। अब इन जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन शीर्षकों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, वो भी मैंने 3-4 मॉडल प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। पहला है कि ब्लू डॉट नेटवर्क से क्या अभिप्राय है। अगर भारत इस नेटवर्क की सदस्यता को स्वीकार करता है तो भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। दूसरा है, कोरोना महामारी के प्रवासी मजदूरों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। बिहार के विशेष संदर्भ में इस चीज़ को ज़्यादा आपको इम्फेसाइज करके प्रयास करनी है लिखने का। तीसरा है प्रश्न आपका कि अमेरिका तालिबान समझौता भारत के अफगानिस्तान में चल रहे अवसंरचनात्मक विकास कार्यों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, समीक्षा करें। ये 3 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप PDF फॉर्म में कैम स्कैनर से कन्वर्ट करके मेरी ईमेल आईडी जो आपको मैंने दे दी है, इस ईमेल आईडी पर साझा कर सकते हैं। इसको आप 3 से 4 दिन के अंदर साझा कर दें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसमें मूल्यांकन करके आपको बता सकूं। याद रखिएगा कि अगर बड़ी संख्या में कॉपियाँ आती हैं तो केवल जो टॉप की कॉपियाँ होंगी उन्हीं को मैं आपके साथ साझा कर पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।